इक्वेशन पहले लिख रहा हूँ, पहले समझने के लिए देख लेना। मैंने लिख दिया 2x + 5y = 9। एक इक्वेशन तो ये हो गई। इस चैप्टर का नाम ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर टू वेरिएबल है तो दो लाइन के इक्वेशन बनेंगे। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। अब दूसरा लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया 4x + 10y = 18। एक तो ये लिखा, ठीक है। दूसरा लिख रहा हूँ 5x + 7y = 10, ठीक है। इसका दूसरा इक्वेशन जो है वो लिख रहा हूँ मैं 3x + 2y = 11, ठीक है। अब तीसरा लिख रहा हूँ मैं, हाँ तीसरा इक्वेशन 2x + 4y = 20, ठीक है। दूसरा लिख रहा हूँ 4x + 8y = 70। ये तीन इक्वेशन हमने लिखा है। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन यही आती है कि हमें चेक करना होता है कि कौन सा लाइन का इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगा, कौन एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी और कौन एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे। भाई हमने दो लाइनें ली हैं, ये दो लाइन का इक्वेशन है ना, ये एक लाइन की इक्वेशन, ये एक लाइन की इक्वेशन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी दो लाइन, सेकेंड में भी दो लाइन और इसमें भी दो लाइन। तो कभी कभी जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कभी कभी आप लोगों को मिलेगा कि एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। जब हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो कभी कभी मिलेगा कि एक लाइन बिल्कुल दूसरे के पैरेलल जा रही है, कहीं नहीं कट कर रही है। और कभी ये मिलेगा कि एक लाइन बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही है। ऐसे तीन केस बनते हैं। तो इनको बोलते क्या क्या है, ठीक है ना। देखो बेटा, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। लेकिन मैथमेटिक्स में इनका नाम बदल जाता है। अब इनके कुछ रूल्स होते हैं जिसके बेस पर क्या होता है कि हम इनको जज करके अलग नाम देते हैं। देखिए, जब लाइन एक दूसरे को एक जगह काट रही है ना, तो इसका होगा यूनिक सोल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। या आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं ओनली वन सोल्यूशन। क्या? ओनली वन, यानी इसका सिर्फ एक सोल्यूशन होगा। बताइए, ये लाइन का एक दूसरे को काट रही है, इसके इनफाइनाइट, सॉरी इसके नो सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे? नो सोल्यूशन होंगे। लेकिन ये देखिए भाई, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया तो हर एक पॉइंट टच किया ना, इसका मतलब इनफाइनाइट, इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यानी अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिक सोल्यूशन। अगर दो लाइन एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो नो सोल्यूशन। और अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा तो उस पर एक लाइन दूसरे लाइन को ओवरलैप करेगा। ये सब बातें हमें कब पता चलेंगी? जब हम लोग इन लाइनों को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ऐसे नहीं पता चलेगा। तो हम ऐसे कैसे चेक करेंगे? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में एक या दो नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है। कंडीशन बोल देगा, जैसे फॉर एग्जांपल दे देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के या फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, कुछ भी, फॉर दिस कंडीशन और दिस कंडीशन और दिस कंडीशन। तो इनके लिए कंडीशंस पहले निकालेंगे। तो चलो चेक करते हैं। हम अगर इन इक्वेशंस को मिलाएं तो मैं एक जनरल इक्वेशन लिखूं तो a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, कुछ इसी तरह के तो इक्वेशन नहीं है? बोलो बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको पहले डिवाइड करेंगे आपस में। देखो a1 upon में a2 = b1 upon में b2 = c1 upon में c2, एक केस तो ये बनेगा। दूसरा केस बनेगा a1 upon में a2 = b1 upon में b2 = c1 upon में c2। तीसरा केस बनेगा बेटा आप लोगों का a1 upon में a2 = b1 upon में b2। जब पहला ही नहीं इक्वल है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। तो अब इनका नाम ये किस लाइन को शो करेगा उनमें से, ये किस लाइन को शो करेगा और इस ये किस लाइन को शो करेगा, ये हम इनके बेस पे बता लेंगे। हमें ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा देखिएगा जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन, तो ये करेगा किसको, केस नंबर फर्स्ट इंटरसेक्टिंग को। और जब इंटरसेक्ट करेगा तो कितना सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन या एक सोल्यूशन, समझ में आगे बात। अब यहां पर देखते हैं बेटा ये किसको शो करेगा, देखिए ए वन अपान आपके बुक में दिया होगा, ए वन अपान ए टू अगर ध्यान से देखेंगे तो इक्वल बी वन अपान बी टू इज नॉट आर इक्वल टू सी वन अपान सी टू, तो ये किसको शो करेगा, पैरेलल को, यानी पैरेलल को शो करेगा। इसका मतलब क्या है कि इसके केस क्या बोलेगा, नो सोल्यूशन। क्वेश्चन में अगर बोल दे ऐसे दो इक्वेशन दे करके बोल दे कि इसका नो सोल्यूशन है, तो आप लोग इस फार्मूले का यूज करके निकालेंगे कोई भी अननोन वैल्यू, ठीक है। आगे तीसरा बच गया ये वाला, इसका मतलब ये लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप करेगी, इसका मतलब कितने सोल्यूशन इसके, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, ठीक है। अब चलो बेटा हम इनमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमने जो अपने मन से क्वेश्चन एक जनरेट किया है चेक करते हैं कि इनमें क्या फॉलो हो रहा है, इंटरसेक्टिंग फॉलो हो रहा है कि पैरेलल फॉलो हो रहा है कि ओवरलैपिंग फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसी को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, तो ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। चले अब पहले इसको मतलब बेटा ए वन है ये, है ना, तो नोट करेंगे पहले इसके लिए, तो ए वन अपॉन ए टू यानी यही कर दोगे सॉल्व। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे देखता हूँ अगर ये वाला चल जाता है तो मान टू अपॉन नहीं चलता, मान इसको लिखे तो टू अपॉन फोर इक्वल फाइव अपॉन में टेन, नाइन अपॉन में एटीन, देखो वन अपॉन में टू, वन अपॉन में टू, वन अपॉन में टू, तीनों इक्वल है, तो ये किसको फॉलो कर रहा है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो आप लिखेंगे फॉर दिस इक्वेशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और जब आप लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना तो एक दूसरे के ऊपर ही लाइन ओवरलैप कर जाएगी। आगे बढ़ू, ठीक है। दूसरा चेक करो बेटा, 5 अपॉन में 3 इक्वल 7 अपॉन में 2 इक्वल 10 अपॉन में 11, देखो ये पहला ही इक्वल नहीं है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन नहीं, यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन। तीसरे वाले का चेक करते हैं बेटा, 2 अपॉन में 4, 4 अपॉन में 8, 20 अपॉन में 70, देखिए 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 और ये 2 अपॉन में 7, तो ये ना का इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, तो कौन सा सॉल्यूशन, पैरेलल, यानी ये पैरेलल का केस है। समझ में आ रहा है मैं क्या करा रहा हूं, यानी ऐसे ही बेटा आप लोगों को क्वेश्चन देने का जैसे क्वेश्चन नंबर, आप लोग आ जाइए अपनी एक्सरसाइज पे और जरा देखिए तो केस पेपर में क्वेश्चन नंबर 23 जरा देखो तो आप पढ़ो उसे। दीपांशु कैसे तुम्हारे कहाँ है सारी मटेरियल, निकालो जल्दी और आ जाओ अपनी सीट पे इधर, अलग हो जाओ बेटा प्रिंसिपल मैम आए तो बस सोच लेना कह दूंगा कि नहीं गए हैं सर। आगे चलो बेटा छोड़ो फालतू की बातें नहीं, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ रहे हो, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा है, इसको मैं पढ़ रहा हूं मेरी इक्वेशन x + 2y + एकदम देखो ध्यान से, यही एक नंबर का क्वेश्चन फिक्स है कि तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में रहेगा इससे। और क्या बोला है क्वेश्चन जरा पढ़ना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, अरे थप्पड़ मारूंगा 23 पढ़ना है, पूछा है कि हाँ रिप्रेजेंट द कंसिस्टेंट लाइन। देखो बेटा कंसिस्टेंट आप लोग अगर ग्रुप में देखते हैं तो कंसिस्टेंट का मतलब किसको कहते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन को। कंसिस्टेंट का मतलब क्या आता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो देखो इसमें दूसरे नाम से बोल दिया तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें के की वैल्यू निकालना है ना, तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को नोट करेंगे। चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर आज और चलिए जरा देखते हैं कि हमें इक्वेशन क्या दे रखा है, x प्लस टू वाई प्लस सेवन इक्वल जीरो, दूसरा क्या दे रखा है टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर्टीन इक्वल जीरो, और हमें क्या और क्या गिवन है फॉर कंसिस्टेंट ना, फॉर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट के लिए क्या करेंगे बेटा, ए वन हमारा कितना है 1, ए टू हमारा कितना बेटा 2, बी वन हमारा कितना है 2, बी टू कितना बेटा 8, सी वन कितना है 7, सी टू कितना है 14, और हमें कंसिस्टेंट का रूल पता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए वन अपान, देखो बेटा तुम्हारा कंसिस्टेंट क्या होता है, ए वन अपान ए टू
मैं इधर वाले पहले को सॉल्व कर दूं, तो देखो 1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 1 में k, k का इधर मल्टीप्लाई कर दो, k बन जा k और 2 2 जा 4 आ गया आंसर। समझ में आया? तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलें आगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके थ्रू कैसे आ जाएगा, इसके थ्रू भी देख लो, 2 अपॉन में k इक्वल 7 अपॉन में 14, काट दो 1 अपॉन में 2 ही आया, k को उधर मल्टीप्लाई कर दो k बन जाएगा या 2 2 जा, और तो आप किसी की भी हेल्प से इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नोट करिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो ये रूल अगर आप लोगों को पता है तो इस बेस पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है राइट द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 3x + ky = 0 एंड 2x - y = 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन। यानी हमें एक इक्वेशन दे रखा है 3x + ky, 3x + ky = 0, और दूसरा हमें दे रखा है 2x - y, 2x माइनस y इक्वल 0, और बोला है कि अगर इसके यूनिक सॉल्यूशन है, क्या है यूनिक सॉल्यूशन, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन हम लोग क्या जानते हैं, फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 / a2 इज नॉट आर इक्वल टू b1 / b2, a1 की वैल्यू 3 / 2 इज नॉट आर इक्वल टू k / -1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 1 2 इक्वल्स k, तो k की वैल्यू -3 / 2, बस काम खत्म। चलो देखो पता नहीं क्या किया तुम लोगों ने। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 को छोड़ो पहले, 26 को भी छोड़ो, 27 को करते हैं पहले। 27 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉर द लीनियर इक्वेशन इन फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। 27 नंबर के क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, जल्दी से नोट करो इसे, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें क्या बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द के द गिवन इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब कौन सा केस लगेगा, फर्स्ट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो पहले तो हम इस इक्वेशन को नोट कर लेते हैं, 10x + 5y - k - 5 = 0, और दूसरा 20x 10y - k = 0, हाँ इधर ही, ठीक है। अब हमें पता है फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2, ठीक है ना। अब हम लोग a1 की वैल्यू नोट करेंगे, लास्ट बार बोल रहा हूं कौन सा, 10 / 20 5 / 10 a1 / k माइनस, थोड़ा ना ध्यान से, ठीक है ना, 100 बार तो ध्यान से, तो माइनस है तो माइनस लिखा करो लोग, ये माइनस है माइनस कैंसिल। अब मैंने तुम्हें बताया k की वैल्यू निकालना है, तो चाहे तो तुम इसको लेके सॉल्व कर लो, क्योंकि k देखो इस बारे में बस है, तो या तो तुम ये और ये लेके सॉल्व करो, या तो ये और ये, लेकिन इसे लेना है, क्यों लेना है, k इसी में है, तो हम इसी को लेकर के सॉल्व कर देते हैं। तो 5 / 10 k - 5 / k, डिवाइड कर रहा है इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5k, और 10 इधर डिवाइड कर रहा है दोनों में जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये देखो 10k - 15, इस k को हम देखो इसको हम इधर लाते हैं, तो 5k और माइनस का 10k इक्वल्स माइनस का 15, माइनस का 5k इक्वल्स का माइनस का 15, 10 का k की वैल्यू कितना आ गया 10, तो ये हमारा आंसर। कोई बड़ी बात नहीं, जो बोला है वो सरक करके सॉल्व करना है, और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में फिक्स है कि एक आएगा, एक से दो नंबर का क्वेश्चन। चलो आप 27 नोट करो, फिर अब हम लोग फिर से वापस चलते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन पर। पहले मैं उसको समझाता हूँ और फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलो आते हैं वापस फिर क्वेश्चन नंबर 25 पे।
और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 हमसे क्या बोल रहा है, उसका सलूशन किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो और नहीं बोला है, दोनों मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलो मैं बता दूं कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कुल मेथड कितने होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कुल तीन मेथड होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन मेथड जब आप लोगों को पता होता है तभी जाकर के हम आप लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना, लीनियर ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जो सॉल्व करने का तरीका बेटा, उसमें कुल तीन तरीके। हाँ कहाँ, थोड़ा इधर ही बने रहो, ठीक है ना। तो हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखा है, पहला लीनियर इक्वेशन दे रखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल 10 और दूसरा दे रखा है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ध्यान देना, अब हमसे बोला है कि इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू हमें सॉल्व निकालना है। जब भी आपको बोले कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन तो आप ध्यान रखना कि सॉल्व करने का मतलब क्या है, हमें x और y चाहिए। अब x और y चाहिए तो उसके कुल तीन मेथड होते हैं निकालने के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहले मैं यहां मेथड को नोट कर देता हूं कि कौन-कौन सा मेथड यहां पर है। तो नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, ध्यान रखना कि मेथड आप कोई भी अपनाइएगा आंसर सेम आना चाहिए। तो हम इसी एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से आपको करा देते हैं। हो सकता है कि यहाँ तो दो मेथड पूछा है, एग्जाम में कोई तीसरा वाला पूछ दे। तो सबसे पहले मेथड हम लोग यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले फर्स्ट मेथड से, फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे बेटा तो सिंपल सी बात है, इसको पहले नोट करेंगे। कैसे नोट करेंगे, देखिए 3x प्लस 4y इक्वल 10 इसको करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले को ले लीजिए 2x माइनस 2y इज इक्वल 2। यहां से इक्वेशन सेकंड से किसी एक को सेपरेट कर दीजिए, या तो x को या तो y को। तो मैं यहां से x को सेपरेट कर रहा हूं तो 2x को यहीं छोड़ दिया, ये इधर माइनस का उधर क्या हो जाएगा, यहां पर 2 क्या कर रहा है उधर जाकर क्या करेगा, तो x इज इक्वल अब देखो जरा डिवाइड करेगा तो पूरे टर्म में करेगा 2 प्लस 2y अपॉन में 2। अब ये बन गया x की वैल्यू, ठीक है। इसको कर दीजिए इक्वेशन सेकंड और अगले लाइन में क्या करेगा, पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसको उठा के फर्स्ट में रखते हैं। अब जहां x है वहां पर एक पूरा रखना है तो मैं यहां रख दूं, मतलब क्या रख दूं ना, चलिए मैं इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा 3 x की जगह पर क्या रखूं मैं 2 प्लस 2y 2 प्लस 2y अपॉन 2y / 2 अब प्लस माइनस का 2y इक्वल 10 सॉरी 4y है ना 4y इक्वल 10 ये तो है ना x प्लस है, समझ में आ गया। अब बस अब यहां पर चलो देखते 2 यहां क्या कर रहा है डिवाइड, तो ये इसमें मल्टीप्लाई कर लेगा, इसमें मल्टीप्लाई क्योंकि एलसीएम लेके करेंगे तो ये हो जाएगा। अब 3 का अंदर मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 6y 6y प्लस 2 4 जा 8y 8y अपॉन में 20 इज इक्वल्स 20 सॉरी 10 4 मल्टीप्लाई करो अब ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 6y सॉरी 6 प्लस ये कितना आ जाएगा 14y इक्वल 20 14y इज इक्वल 6 20 माइनस 6 14y इज इक्वल 14 y इक्वल 1। अब y की वैल्यू क्या आ गया, अब y की वैल्यू क्या के 2 में रख दीजिए देख निकल जाएगा। अब फॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब y की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो
x is equals 2 plus 2 into 1 upon में 2, 2 plus 2 upon में 2, 4 upon में 2 is equals 2. तो इस तरह से देखिए और x और y की वैल्यू निकल गई. और कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड. आप लोग इसको नोट करिए, फिर इसी क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा एलिमिनेशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, और देखिएगा हर टाइम यही आंसर आएगा. तो इसको पहले नोट करिए आप. चलो बेटा, अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन. तो सबसे पहले हम लोग दूसरे नंबर पर किससे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से. क्वेश्चन सेम रहेगा, बस मेथड बदल जाएगा, लेकिन आंसर भी सेम आएगा, देख लीजिएगा आप लोग. तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं किससे? एलिमिनेशन मेथड से. एलिमिनेशन मेथड से करते हैं इसको. चलें, आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें दे रखा है 3x plus 4y equal 10, 2x minus 2y equal 2. देखो बेटा, बहुत सारे ऐसे रूल रेगुलेशंस हैं. आप लोग एक अगर मेरी बात मानिएगा तो किसको चेंज करने का तरीका देखो, हम कुछ भी कर सकते हैं. हम क्या करेंगे, नीचे 2 है ना x के साथ, अब यहाँ 2 के साथ 3 है, तो ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले में 3 से, किसी एक को बराबर करेंगे, यही रूल है. तो देखो बेटा, हम ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं,